स्टूडेंट्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिसेंटली एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इन्होंने, ताकि एक फ्रिक्शनलेस क्रेडिट लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब ये फ्रिक्शनलेस क्रेडिट किसे कहा जाता है, देन हम इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेंगे, पर्पस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, देन कुछ चैलेंजेस भी हम देख लेंगे, देन वी हैव आवर टुडेज़ प्रीलिम्स एंड द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म है फॉर द फ्रिक्शन लेंस क्रेडिट। इसकी जो फिजिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए, इसका जो एम है, ये बेसिकली सीमलेस क्रेडिट डिलीवरी इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। एक स्मूथ फ्लो होगा नेसेसरी डिजिटल इंफॉर्मेशन का लेंडर्स पर जो लोन दे रहे हैं। अब फ्रिक्शन लेस क्रेडिट क्या है? फ्रिक्शन लेस क्रेडिट एक बोरोइंग अप्रोच है जो कि इस प्रोसेस को, जो लेंडिंग प्रोसेस है, इसको स्ट्रीमलाइन कर देती है, छोटा कर देती है। जैसे हम ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम्स में जाएंगे तो आप ये समझिए कि बहुत एक्सटेंसिव पेपर वर्क होता है, 10 तरीके की चीज़ें मांगते हैं, आधार लिंक करो, KYC लिंक करो, लोन के लिए ये होना चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए, सो देर आर मेनी थिंग्स। अलग अलग बैंक में विजिट्स होती हैं, क्रेडिट चेक्स होते हैं, लेंदी अप्रूवल प्रोसीजर होते हैं, लेकिन जो ये फ्रिक्शनलेस क्रेडिट होगा, ये बहुत स्मूदर और एक फास्टर एक्सपीरियंस देगा दोनों को, लेंडर और बोरोवर को। अब पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानेंगे। इसको RBI की जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, उसने डेवलप किया है। इसका जो एम है वो क्रेडिट डिलीवरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, छोटा करना है, और एक सीमलेस डिजिटल इन्फॉर्मेशन जाना होगा लेंडर्स तक, इसका फ्लो जो है वो लेंडर्स तक होगा। सो दीज आर वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ दिस। ये बेसिकली जो क्रेडिट असेसमेंट है इसको सिंप्लीफाई कर देता है एंड टू एंड डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करके, जो कि बेसिकली स्मूथ एक्सचेंज, जो एसेंशियल डिजिटल डेटा जो है वो स्टेक होल्डर्स के अंडर, वो बहुत स्मूथली फैसिलिटेट हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। प्रोसेस क्या है पहले जान लेते हैं। तो जो प्रोसेस है इन डिलीवरिंग क्रेडिट थ्रू द डिजिटल मीन्स, इसमें क्रेडिट अप्रेजल बेसिकली इन्वॉल्व है। क्रेडिट अप्रेजल बेसिकली बोरोअर की एबिलिटी को इवेल्युएट करता है कि क्या वो लोन रीपे कर पाएगा और क्या वो क्रेडिट एग्रीमेंट से एडर कर पाएगा, क्या वो भागेगा तो नहीं। तो ये जो होगा वो क्रेडिट अप्रेजल के थ्रू पता चलेगा। अब ये जो प्रोसेस है, इसके 3 पिलर्स हैं। पहला एडवर्स सिलेक्शन, बेसिकली बोरोअर्स और लेंडर्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री है, ये रिस्क जो मेजरमेंट्स हैं उनको एक्सपोजर का है इसमें, देन डिफॉल्ट रिस्क असेसमेंट। दीज थिंग्स आर बेसिकली द पिलर्स ऑफ दिस। What are the key data sources which we have? So, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का डेटा होगा इसको इंटीग्रेट करेगा अकाउंट एग्रीगेटर्स या बैंक से या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से भी, और ऑल्सो जो डिजिटल आइडेंटिटीज अथॉरिटीज़ हैं उनसे। मोरओवर, ये जो कंसोलिडेशन होगा ये हिंडरनेस एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा और एक स्ट्रीम लाइन, एक रूल बेस्ड लैंडिंग प्रोसेस बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसका अगर कवरेज की बात करें तो अलग अलग टाइप के लोन, जो प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल लोन्स मतलब बियॉन्ड किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे कि डेयरी लोन्स जो हैं, जैसे कि MSME लोन्स हैं, विदाउट कोलेटरल लोन्स जो हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल पाएंगी। जो डेटा है ये बेसिकली बहुत अलग अलग सर्विसेज, जैसे आधार eKYC है, आधार कार्ड eSigning है, लैंड रिकॉर्ड, सेटेलाइट डेटा, पेन वैलिडेशन, सो अकाउंट एग्रीगेशन, ये सारी चीज़ें जो होंगी इसमें ये लिंक रहेंगी अलग अलग सर्विसेज। पर्पस है इसका, ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहता है। जो प्लेटफॉर्म है ये फाउंडेशन की तरह वर्क करेगा ज़्यादा एडवांस क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करने में, और मोरओवर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। ये बेसिकली बेटर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लेवरेज करेगा लेंडर्स के लिए, एंड ये डेटा ड्रिवन क्रेडिट इवेल्युएशन भी देगा, दैट वुड बी मोर एफिशिएंट। नाउ ये इट लीड्स टू मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड मोरओवर रिगार्डिंग द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक बोरोवर्स, सो दिस वुड बी पॉसिबल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। देन ये जो क्रेडिट का एक्सेस है वो और ज़्यादा वाइड कर देगा, जैसे प्लेटफॉर्म की जो कैपेबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने ऑफरिंग्स एक वाइडर रेंज ऑफ बोरोवर्स तक पहुँचा सकते हैं जिनके पास फेवरेबल क्रेडिट हिस्ट्रीज हैं। ये बेसिकली इसमें वो पोटेंशियल है कि वो उन इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस को इंक्लूड कर देगा जो कि प्रीवियसली जो एक फॉर्मल क्रेडिट चैनल है उसके में नहीं है। सो एज अ रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग या ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेस को इसकी एबिलिटी मिलेगी, ताकि वो एक बेसिकली टू सिक्योर नेसेसरी फंडिंग थ्रू दिस चैनल। इसका बोरोअर्स के लिए क्या बेनिफिट होगा? तो जो बोरोअर्स इस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अगर उनको लोन मिल जाता है,
तो ये बेसिकली जो कॉस्ट होता है, जो जो वो कैपिटल ऑप्टेन करते हैं, इसमें जो उनका कॉस्ट लगता है प्रोसेसिंग में या इंडिविजुअल बिजनेस का भी, तो अगर वो कम लगेगा तो वो जो उनको भी लोन मिला है वो उसका लार्जर प्रपोर्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की तरफ लगा सकते हैं। तो लोअर कॉस्ट जब बोरोइंग अगर होगी, लोअर कॉस्ट, देन इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो है उसको वर्क में पुट किया जा सकेगा। सो इट विल स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल फर्दर स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ दिस लोन। सो जो मल्टीपल बैंक विजिट्स होते थे, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है, इस सबको मिनिमाइज कर दिया जाएगा। ये एक ज़्यादा कन्वीनियंट एक्सपीरियंस ही नहीं देता है बोरोअर्स को, लेकिन ये बेसिकली दोनों लेंडर्स और बोरोअर्स के लिए जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज भी करता है। जो सिंप्लीफाइड प्रोसेस है ये बेसिकली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को और स्मूथ फास्टर करेगा। ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट रिडक्शन करता है, स्केलेबिलिटी लेके आता है। प्लेटफॉर्म्स के जो वन ऑफ ओवरआर्किंग गोल्स हैं ये बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना है लैंडिंग इकोसिस्टम के थ्रू। ये जो कॉस्ट रिडक्शन है इसको इट कैन बी रियलाइज्ड ड्यू टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस होगा, उसकी वजह से ये हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, पेपर वर्क कम होगा, ज़्यादा एफिशिएंट क्रेडिट असेसमेंट्स होंगे, क्विकर लोन डिसबर्समेंट होगा, इट इज़ ऑल्सो एंटिसिपेटेड। ये ओवरऑल लैंडिंग एक्सपीरियंस को एनहैंस कर देगा। सो दीज आर द थिंग्स, लोन आसानी से डिस्बर्स हो जाएगा। सो दीज आर द केसेस। अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं इस प्लेटफॉर्म के? तो ये फॉर्मल लोन्स ऑफन मल्टीपल विजिट्स वगैरह हमें लेना पड़ता था, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क करना पड़ता था, तो ये बेसिकली लेंडर के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे, जिसकी वजह से ये बोरोअर्स पर पास हो जाते थे। आरबीआई के हिसाब से जो फार्म लोन्स होते हैं इंडिया में वो लगभग 2 से 4 हफ्ते लेते हैं सेंक्शन होने में, और जो कॉस्ट है वो लगभग टोटल लोन का 6% होता है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल रहता है तो हम ये जो पैसा है उसको बचा सकते हैं, फार्मर इसको आगे कहीं यूज कर सकता है, या और भी, ये दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली और हेल्प करेगा लेंडिंग प्रोसेस को स्मूथ करने में, क्विक करने में, कॉस्ट रिड्यूस करेगा, लोन प्रोसेस स्पीड करेगा। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स फैक्टर्स क्वेश्चन। नोट सॉर्टिंग मशीन्स आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, टू बी यूज टू काउंट नोट्स, टू बी यूज टू ब्रिंग आउट द मल्टीलेटेड एंड काउंटरफीट नोट्स, टू मेक बंडल्स ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ करेंसी नोट्स। नाउ वी हैव आवर मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट लैंडस्केप ऑफ डिजिटल लैंडिंग इन इंडिया, इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स इट? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल लैंडिंग इन द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड बाय द डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड व्हाट स्ट्रैटेजीज कुड पेव द वे forward for the sustainable growth of digital lending in the country. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst Styles for your better preparation.